दोस्तों आगे आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, इसलिए आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा बिजनेस आपको सफल बना सकता है। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 1 लाख से कम में बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता है, ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा बिजनेस प्लान लेकर आए हैं जो कि ई रिक्शा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आप अपने घर बैठे मात्र एक ई रिक्शा से 40 से 50,000 रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। इस बिजनेस आइडिया वीडियो में हम आपको लगभग ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत होगी, और अंत में हम आपको सफल होने के लिए कुछ टिप्स देंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले नंबर पर बात कर लेते दोस्तों ई रिक्शा बिजनेस आइडियाज क्या है। दोस्तों ई रिक्शा बिजनेस आइडियाज में आपके पास एक ई रिक्शा होना चाहिए, जिसे आप अपने शहर में किराए पर चलाकर प्रतिदिन पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है ई रिक्शा बिजनेस आइडिया की। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब कितने तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है दोस्तों कि किराए पर देकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ग्राहक ढूंढना होगा जो कि आपके ई रिक्शा को किराए पर ले जाएगा और किराए का आपको कुछ पैसा आपको देना होगा उसे बदले में। जैसे अगर उसने 800 या 1,000 रुपए कमाए हैं तब आपको उसके किराए के रूप में 300 रुपए आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से किराए का पर आप चला सकते हैं। किराया आपको डिसाइड करना है, खुद भी चला सकते हैं अगर एक ई रिक्शा या दो ई रिक्शा है और आपके घर में 2 मेंबर हैं जो ई रिक्शा चला सकते हैं तब आप खुद भी चला सकते हैं। इससे फायदा ये होगा जो किराए के रूप में आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं या चलवा रहे हैं आपका ई रिक्शा, वो पैसा आपका बच जाएगा। तो ये तो हुई आप, इतने दो तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ई रिक्शा बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों एक ई रिक्शा 50 से 3 लाख रुपए में आता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस कंडीशन का ई रिक्शा ले रहे हैं, किस बजट में ले रहे हैं, साथ में आपके ई रिक्शा में क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, ई रिक्शा जो बनाया गया है वो किस मटेरियल का बनाया गया है। तो तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पैसा होता है एक ई रिक्शा का। तो 50,000 से शुरू होता है, 70, 80, 90 और 3 लाख तक में आप एक अच्छा ई रिक्शा खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके एक ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, कितनी कमाई आप कर सकते हैं ई रिक्शा बिजनेस से। अगर आप चलाते हैं, पहले नंबर पर इस पर बात कर लेते हैं, या आपका कोई घर का सदस्य चलाता है, तो आप लगभग 800 रुपये प्रतिदिन और 800 रुपये उसी रात, मतलब अगर रात या दिन दोनों चलाते हैं तब आप 1600 रुपये प्रतिदिन तक कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 1400 रुपये प्रतिदिन भी मान लें रात और दिन का, तब भी आप लगभग प्रति महीने 42,000 रुपये प्रति महीने आसानी के साथ कमा सकते हैं। आप दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, अगर आपका जो ई रिक्शा है उसे किराए पर देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तब आप अगर 400 रुपये किराए का मान लेते हैं, 800 रुपये में से 400 व्यक्ति को किराए पर दे दिया और 400 रुपये उसने आपको दे दिए, तब आप 400 रुपये प्रतिदिन और 400 रुपये नाइट, तो इस तरीके से 800 रुपये पर डे आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। महीने का ये होता है 24,000 रुपये प्रति महीना। तो इस तरीके से आप अपना खुद का देख लीजिए किस शिफ्ट में चला रहे हैं, कितना समय पर आप दे रहे हैं, आप खुद चला रहे हैं या फिर किराए पर दे रहे हैं, उस हिसाब से अपना खुद का कैलकुलेशन करें। अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपका जो ई रिक्शा है कुछ ही महीने में पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो पहली सावधानी ये रखना चाहिए कि आप ई रिक्शा जहाँ से भी खरीद रहे हैं वो एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए, रेपुटेटेड ब्रांड होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको ई रिक्शा से जुड़ी कोई समस्या ना हो और जो भी ग्राहक उसमें बैठे अच्छे तरीके से उनको जहाँ भी जाना है डेस्टिनेशन पर वो ई रिक्शा छोड़ के आए। तो इस तरीके से आपको रेपुटेड ब्रांड का सिलेक्शन करना होगा। आपको ई रिक्शा खरीदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी ब्रांड का आप ई रिक्शा खरीद रहे हैं उसका बैटरी लाइफ कितना है, साथ में आपको नया बैटरी रिप्लेसमेंट करने में कितना समय लगेगा और उस बैटरी का कितना गारंटी या वारंटी है। ये तमाम तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टिंग में आप एक ई रिक्शा से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एक तरीके से आपको इस बिजनेस का आइडिया लग जाए,
इसके बाद आप 10 ई रिक्शा शुरू कीजिए, 10 ई रिक्शा खरीद कर उनको किराए पर चला सकते हैं। जब आपके पास 10 ई रिक्शा हो जाएंगे तब उससे आप कैलकुलेशन कीजिए कि अगर प्रतिदिन, अगर रात में छोड़ दें और हम दिन में ही अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं तो आप उसको 800 रुपये प्रतिदिन आप कमा रहे हैं उसको, तो 10 ई रिक्शा से देखिए आप कितना 8000 रुपये प्रतिदिन हो रहा है। और इस तरीके से आप महीने का खुद का कैलकुलेशन कीजिए, जितने ज़्यादा ई रिक्शा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। आप चाहें तो अपना खुद का एप्लीकेशन भी बना सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर लोग आपके ई रिक्शा को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और ऑनलाइन माध्यम से आप एप्लीकेशन बनाकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किराए पर अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं तो आपके ई रिक्शा में जीपीएस सिस्टम जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपका ई रिक्शा दिन भर में कितना चला, दिन भर में कहाँ जा रहा है, वो जीपीएस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और इसका फायदा ये है कि आपका ई रिक्शा चोरी होने से भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में जाना कि कैसे ई रिक्शा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने इस बिजनेस आइडियाज की वीडियो को कैसा बनाया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडियाज की वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।